नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MS News 2019 में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सरकार कोश्यारी समिति की सिफारिशों को क्यों लागू नहीं कर रही है? यदि इसके लिए फंड की आवश्यकता है तो सरकार अपना अंशदान क्यों नहीं बढ़ा रही है? ऐसा कहना अशोक गहलोत का है। अथवा कर्मचारियों का वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? श्रम मंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि पेंशन फंड में स्थिर नहीं है, जबकि पेंशन फंड में 4.37 लाख करोड़ की राशि है, तो क्या इस राशि का उपयोग पेंशन धारकों के मरने के बाद किया जाएगा? वह किस काम के लिए किया जाएगा? इसका उत्तर माननीय श्रम मंत्री जी दें। आज 33 लाख पेंशन धारकों को 1500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है, क्या इसमें पति या पत्नी का जीवन यापन संभव है? जी हां दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि श्रम मंत्री जी ने संसद में कहा कि पेंशन धारकों को उनकी मांगों के संदर्भ में माननीय केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन केरल हाईकोर्ट का निर्णय के बाद EPFO ने बिना वजह पेंशन धारकों को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा व इसमें से 4 से 5 करोड़ रुपए लीगल एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिए। क्या ये उचित है? आखिर क्यों सभी पेंशन धारकों को भारत आयुष्मान योजना में क्यों समावेश नहीं किया जा रहा है? यदि EPFO द्वारा उनके कर्मचारियों को रुपए 2000 प्रति माह चिकित्सा के लिए दिए जा रहे हैं, तो फिर EPS 95 के पेंशन धारकों को क्यों चिकित्सा सुविधा से वंचित रखा जा रहा है? तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी।